वित्त आयोग के तहत नियुक्त किए गए कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवा समाप्ति का मामला सदन में गूंजा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य भर के कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा स्थायी करने के लिए कहा। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने समिति की रिपोर्ट आने तक उन्हें नहीं हटाने की मांग की। इसका सदन में जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मामले पर सरकार गंभीर है और जल्द इस पर विचार किया जाएगा। अनियमित रूप से नियुक्त आखिर अनियमित रूप से किसने नियुक्ति किया अध्यक्ष महोदय? इतने दिनों तक यदि अनियमित रूप से नियुक्त थे तो उनको हटाया क्यों नहीं गया? और अनियमित रूप से नियुक्त करने वाले संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं गई? हाँ, यदि उन पर कोई आरोप है, गंभीर आरोप है, तब आप हटाते हैं तो अलग विषय है। तो मैं सरकार से इसीलिए मैंने प्रश्न किया है अध्यक्ष महोदय कि उन नौजवानों का उम्र भी, अध्यक्ष महोदय, उनका उम्र भी समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरी नौकरी लायक नहीं रहेंगे अध्यक्ष महोदय, तो हम उनको बेरोजगार की ओर ढकेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए सरकार से मैं यही कहूंगा कि आप इसका स्पष्ट उत्तर दे दीजिए। ये पूरे राज्य के तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर से जुटा हुआ मामला है और हमें लगता है कि सरकार के ध्यान में ये रहना चाहिए कि जिस समय कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली हुई थी, सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर किया गया था। यहाँ तक कि कुछ जगह अध्यक्ष महोदय जो आरक्षण के नियम है उसके भी पालन किए गए, और अगर उन्होंने 10 साल तक आपकी सेवा की और फिर उसकी सेवा को आप एकाएक ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर 10 साल जो इस राज्य की उन्होंने सेवा की उसका उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और जिस बाह्य एजेंसी की ओर आप धकेल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वो तो फिर उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, जो बात सीपी बाबू ने विस्तार रूप से आपके सामने रखा है, सदन के सामने रखा है। 2015 का नियमावली बनाकर उठाकर देख लीजिए, उसके पहले को उठाकर देख लीजिए, जब आप लोग ने उन लोगों को एकोमोडेशन किस बेसिस पर किए थे, तो सारी चीज को एक तरफ लाना पड़ेगा, लाकर उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन सडन हर एक विभाग का हर एक समय, चाहे 2015 हो, 2019 हो, आप लोगों ने अलग अलग जब कार्यकाल चला अलग अलग कमीशन लिया गया। इसीलिए सरकार गंभीर है और सीपी बाबू ने जो प्रश्न उठाए हैं उस पर जो है हम लोग विचार कर रहे हैं।